गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज मैं आपको इस चैप्टर के टॉपिक डिस्कस करूंगी आपके साथ। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दीज आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो कि कार्बन हाइड्रोजन को कंबाइन करके बनते हैं, मिलकर उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर मैनी हाइड्रोकार्बन सच एज मीथेन। मीथेन जिसका फार्मूला CH4, जिसमें कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4। ये किससे मिलकर बना, कार्बन और हाइड्रोजन। 1 atom of carbon, 4 atoms of hydrogen। ईथेन C2H6, 2 atoms of carbon, 6 atoms of hydrogen। प्रोपेन C3H8, 3 atoms of carbon, 4 atoms of hydrogen। देन ब्यूटेन C4H10, 4 atoms of carbon and 10 atoms of hydrogen। पेंटेन C5H12, कार्बन 5 हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 12। हेक्सेन C6H14, कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हो गए हेक्सेन में 14। अब देखिए, ये तो इनके फॉर्मूलेस थे, अब इनकी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी बताऊंगी। तो पहला मीथेन है, मीथेन का फार्मूला CH4। इट कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4 हैं, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉएगी। सेंटर में कार्बन के साथ चारों तरफ एक हाइड्रोजन को क्या है अटैच कर देंगे, तो यह बन जाएगा CH4 का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन जैसे लगा दिए। देन आ गया ईथेन C2H6, मीन्स कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन 6 हैं, तो दो कार्बन लगाए सारे, और दोनों कार्बन के साथ चारों तरफ आपने एक हाइड्रोजन को क्या है अटैच कर दिया, तो ये बन गया ईथेन का फॉर्मूला। देन प्रोपेन, प्रोपेन का है C3H8 फार्मूला है, इट मीन्स 3 कार्बन, ठीक है, चेन आपने जोड़े, उसके साथ सबके साथ एक ही हाइड्रोजन आपने अटैच कर दिया, डेट इज इसका फार्मूला बन गया प्रोपेन। नेक्स्ट इज ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन में कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन 10, पहले आपने 4 कार्बन को यूज कर दिया, उसके साथ सारों के साथ आपने उतनी एच जोड़ी, एच कितनी है 10, सारी तरफ आपने के एच के साथ कंबाइन कर दिया, एक फॉर्म स्ट्रक्चर बन गया ब्यूटेन का। देन पेंटेन, पेंट से ही पता लगता है कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12, तो आपने क्या है 5 कार्बन लगाए, उसके साथ सारों के साथ एक ही हाइड्रोजन को क्या अटैच कर दिया, डेट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। देन हेक्सेन C6H14, कितने कार्बन लगाए आपने 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाए, छियों के साथ ऊपर नीचे सारी तरफ आपने क्या है राइट किया कार्बन हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, तो ये बन गया हेक्सेन। अब सबसे पहले बेटा आपने ये याद करना है कि अगर आपको एक फार्मूला दिया, स्ट्रक्चर दिया हो, जैसे इसको देखकर आपने बताना कि आपको इसका फार्मूला बताओ, आपको ये पता होना चाहिए जिसमें एक कार्बन होता है और हाइड्रोजन 4 है, वो किसकी स्ट्रक्चर है मीथेन की, जिसमें 2 कार्बन हों वो इथेन, 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन। अगर आपको इनका पहचान होगी तो आपको ये आइडेंटिफाई करने मुश्किल नहीं है। जैसे अब आपको ये दे दिया, अब आपको बताना है इसको देख के इसका फार्मूला क्या है, इसमें एक कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, तो ये क्या बन गया मीथेन। ऐसे ये है, कितने कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 1, 2, 3, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये क्या बन गया मीथेन। देन C3H8, ठीक है, ये आपको आप यहाँ से पहचान करनी, कार्बन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने 8 काउंट कर लीजिए, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है प्रोपेन। देन C4H10, ऐसी पहचान करिए, कार्बन कितने हैं 1, 2, 3, 4 और हाइड्रोजन कितने हैं आपके 10, काउंट करके 4 कार्बन वाला आप 4 कार्बन से क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये किसका फॉर्मूला है ब्यूटीन का। देन C5H12, पेंटेन, कार्बन कितने लगाने हैं हमने 5 कार्बन है, सबके साथ आपने के हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, तो आपको ये पहचान करनी है कि जिसमें 5 कार्बन होंगे वो क्या बन जाता है पेंटेन। देन C6H14, देखो किसमें जिसमें 6 कार्बन हैं और सबके आपने हाइड्रोजन अटैच किया है, तो आपको यहाँ से पहचान होगी ये क्या कार्बन है हेक्सेन, जिसमें कार्बन 6 होंगे वो क्या बन जाएगा हेक्सेन।